नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी मैम न्यूज। मैं प्रीति चंद्र एक बार फिर हाजिर हूँ देश और स्थानीय जनपद सहारनपुर की कोरोना अपडेट के साथ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। देश में एक साल पहले वैश्विक महामारी ने दस्तक दी थी। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देश में आज से ठीक एक साल पहले इसी दिन जनता कर्फ्यू लगाया गया था और आज एक साल बाद देश कोरोना संक्रमण से पूरी तरह से जूझ रहा है। देश में लगातार कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में स्थिति विकराल होने के बाद कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। देश में कोरोना के नए मामले हर दिन पिछले साल के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। इस साल सोमवार बीते 24 घंटे में पहली बार कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 46,951 मामले दर्ज किए गए। करीब 5 महीने बाद कोरोना के नए मरीजों की सर्वाधिक संख्या है। वहीं कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या भी चिंता बढ़ा रही है। पिछले 24 घंटे में 212 से अधिक लोगों की जान चली गई। वहीं अब हम बात करते हैं जनपद सहारनपुर की। तो आपको बता दें, जनपद सहारनपुर में भी कोरोना का प्रकोप अब बढ़ता नजर आ रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक आज जनपद में 5 नए संक्रमित मरीज मिले, जबकि आज एक भी संक्रमित की रिपोर्ट निगेटिव नहीं आई, जिसके बाद ये कुल आंकड़ा बढ़कर जनपद में 10,050 पहुंच गया है। वहीं अभी भी एक्टिव केस की संख्या 70 है, जिनका इलाज अभी भी जारी है। सिटी मैप सभी जनपद वासियों से अपील करता है, कोरोना से बचाव हेतु सभी सावधानियां बरतें। सार्वजनिक स्थानों पर 2 गज की दूरी के पालन के साथ साथ मास्क का प्रयोग जरूर करें। आज का अपडेट आपको कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।